त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में जन्माष्टमी के महापर्व पर देश भर में हर्षोल्लास का माहौल था। सभी लोगों ने अपनी खुशियां अपने अपने तरीके से मनाई और कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऐसे में इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के जो लोग फैन हैं, वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो त्योहार को कैसे सेलिब्रेट किए ये जानना चाहते हैं। तो इस वजह से सेलिब्रिटीज भी अपने अपने फेस्टिवल का, अपने अपने सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं ताकि उनके दर्शक उसे देख पाएं और आनंद उठा पाएं। कुछ इसी तरह से पावर स्टार पवन सिंह के फैंस भी पावर स्टार पवन सिंह के वीडियोज का इंतजार करते हैं। लेकिन मसला ये है कि पावर स्टार पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर दिखाते ही नहीं हैं। अपनी मम्मी के अलावा या रक्षाबंधन पे सिस्टर के अलावा शायद ही पवन सिंह ने ऐसा कोई वीडियो आज तक साझा किया हो जो उनके पर्सनल लाइफ को रिलेट करता हो। ऐसे में पावर स्टार पवन सिंह के फैंस हमेशा दुखी हो जाते हैं। लेकिन ज्योति सिंह के फैंस को ज्योति सिंह के तरफ से हमेशा वीडियो देखने को मिलता रहता है, चाहे फिर वो कोई फेस्टिवल हो या कोई खास ओकेजन हो, ज्योति सिंह अपने फैंस के साथ अपने पलों को साझा करती हुई नजर आती हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भी ज्योति सिंह ने एक वीडियो साझा किया जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ज्योति सिंह इस बार जन्माष्टमी अकेले ही सेलिब्रेट कर रही हैं। ज्योति सिंह अभी भी अपने मम्मी पापा के घर पर हैं और वो वहीं पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। हालांकि उनके आसपास कोई डेकोरेशन या फिर धूमधाम तो नजर नहीं आ रहा था। उनके हाथ में लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी मूर्ति थी जिसको वो लेकर लिपसिंग करती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने वो वीडियो जन्माष्टमी के दिन शेयर किया था। लेकिन इस वीडियो में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ज्योति सिंह ने इस बार भी अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा था और ना ही अपने गले में मंगलसूत्र पहना था। वीडियो में ज्योति सिंह बड़ी ही सिंपल नजर आ रही हैं। उन्होंने कोई साज श्रृंगार नहीं किया है, नॉर्मल सी एक लिपस्टिक लगाई है और वाइट कलर का प्लेन शर्ट पहना हुआ है, बाल खोले हुए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बीच में सब कुछ ठीक होने के बाद खुद पवन सिंह ने ज्योति सिंह का मांग भी भरा था लोगों के सामने, वीडियो सभी ने देखा था। फिर भी अब ज्योति सिंह अचानक से मांग में सिंदूर पहनना क्यों छोड़ दी है, पवन ज्योति की खबरें आनी क्यों बंद हो गई है, पवन ज्योति एक दूसरे से मिलना बात करना क्यों बंद कर दिए हैं, और अगर करते हैं तो सब कुछ इतना प्राइवेटली क्यों है, क्यों उनके रिश्ते को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, क्यों उनके रिश्तों को लेकर चर्चा का बाजार अभी भी गर्म है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह के इस वीडियो के बाद से सभी लोग कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं कि हो ना हो ज्योति और पवन में वापस से कोई मतभेद तो जरूर है, वरना ज्योति सिंह त्योहार के मौके पर साड़ी पहनती, मंगलसूत्र पहनती, चूड़ियां पहनती, सिंदूर लगाती, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन होने को ये भी हो सकता है कि ये वीडियो काफी पुराना हो या पहले का हो जिसे ज्योति सिंह ने जन्माष्टमी के मौके पर शेयर कर दिया हो। वेल, अगर ऐसी बात है तो फैंस तो ज्योति सिंह के कमेंट सेक्शन में हमेशा सवाल करते रहते हैं। ज्योति सिंह को जवाब में ज़रूर देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, या कोई वीडियो ऐसा साझा ज़रूर करना चाहिए जिससे लोगों को ये पता चल पाए कि उनके और पवन सिंह के बीच में सब ठीक है या नहीं है। क्योंकि जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, जब आपके बारे में लोग इतना केयर कर रहे हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप अपनी रियल लाइफ का आईना लोगों को दिखाएं। वेल, एक वक्त था जब ज्योति सिंह ने खुद मीडिया में आके पवन सिंह के सारे राज खोले थे और अपने दिल की बात बताई थी। लेकिन उसके बाद एक और ऐसा वक्त आया जब पवन ज्योति मीडिया के सामने एक हो गए और दोनों के एक होने की जो खबरें हैं वो खूब सुर्खियों में रहीं। वहीं अब एक दूसरे से अलगाव की खबरें भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुके हैं उन दोनों का, ना साथ में कोई फ़ोटो आया है ना वीडियो आया है। क्योंकि नॉर्मली अगर उन दोनों में सब कुछ ठीक होता तो कम से कम वो दोनों त्योहारों पर तो साथ नज़र आते, अगर ऐसा भी नहीं तो कोई तो ऐसा क्लू मिलता जिससे लोगों को ये पता चलता कि वो दोनों एक दूसरे से बात तो करते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा है। वेल, पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से तो जन्माष्टमी का कोई वीडियो शेयर नहीं किया गया है जिससे लोगों को पता चल पाए कि पावर स्टार पवन सिंह ने अपना ये त्यौहार कहाँ, कैसे और किसके साथ मनाया। वहीं ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया है जहाँ वो अकेले बैठी हैं और कान्हा जी की मूर्ति के साथ स्माइल करते हुए नजर आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ज्योति सिंह अपना त्यौहार अकेले अपने मम्मी पापा के घर पर ही मनाई हैं।